हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लिपकार्ट पे एक और सेल आ चुकी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट फ्लैगशिप फेस्ट सेल। इसका मतलब आपको फ्लैगशिप मोबाइल पे अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, ऐसा फ्लिपकार्ट कह रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं इस सेल की एक एक डील और साथ में उसकी सच्चाई, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन आपको रखूंगा कि भाई इस डील में या इस ऑफर में कितना सच और कितना दिखावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी ये जानना चाहते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे और कौन कौन सी सेल आपको देखने को मिल सकती है जून महीने में जिसका आपको वेट करना चाहिए, तो ये दोनों वीडियो जो स्क्रीन पे दिख रही है जाके जरूर चेकआउट करिए हमारे चैनल पे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। वैसे मैं इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रख दूंगा। बाय द वे, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फ्लिपकार्ट वाली वीडियो पे 21,000 से ज्यादा लोगों ने इसको व्यू दिया है, बहुत अच्छा चल रहा है। और रही बात अमेजोन की, तो इसको 6,000 से ज्यादा व्यू मिल चुके, तो जाके जरूर चेकआउट करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। रही बात फ्लैगशिप फेस्ट की, तो डेट की बात कर लेते हैं। 4 जून मतलब आज से लेके 8 जून मतलब फ्राइडे से लेके आपको ट्यूजडे तक देखने को मिलेगी, ये रही सेल पीरियड। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफर की, तो भाई सिटी बैंक पे 10% का इंस्टेंट सेविंग लिखा है। देखिए आजकल वर्ड में कितना खेला जा रहा है आपके साथ, पहले क्या था इंस्टेंट, क्या डिस्काउंट था, सेविंग लिखा है, तो मतलब ये एक तरह का धोखा है। क्योंकि मैं जाके देखा तो उसमें एक्चुअली है क्या कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे कुछ ऐसे मॉडल हैं जिसपे आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी कुछ, सब पे नहीं है, तो आपको जाके खुद चेक करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। रही बात अगर 20,000 का कोई फोन ऊपर खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए 25,000 का आप खरीदते हैं और उस पे ईएमआई पे लेते हैं वो फोन, तो आपको पता है ईएमआई इनका कितना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उस पे आपको 500 का ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो इससे आपको बचना चाहिए इस बैंक ऑफर से, यही मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। रही बात पहले डील की, तो आईफोन 11 आपको 50,000 में बिल्कुल घटिया डील है भाई, बात भी नहीं करेंगे, 45 में आएगा, वेट करें, ऑलरेडी आ चुका है, मान लीजिए 45 नहीं तो 46 तो आना तय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीवो V21 5G, इसको इन्होंने लिखा है 33,000 को ऐसे काटा है, मतलब 32,900 को काट के लिखा है 29,990, बिल्कुल झूठ भाई, यही रेट है, 1 रुपया ऑफ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सैमसंग का F62, ये कई लोगों की चाहत है, मैं कई बार आपको समझाया था, बेस्ट ऑफर आया भी था, शायद आपकी गलती भी नहीं, उस समय डिलीवरी चालू भी नहीं थी, अब इन्होंने बिल्कुल प्रिंट रेट कर दिया है 23,999, घबराइए मत, आएगा डिस्काउंट और जैसे आएगा मैं एक वीडियो बना के लेके आऊंगा। ये आपको 18,000 तक का आया था, तो समझ लीजिए आपको 6,000 रुपए का डिस्काउंट आया था, और ये बेस्ट मोबाइल है, अगर आपको 18 में मिलता है तो बेस्ट मोबाइल है। रही बात नेक्स्ट बढ़ते हैं मोटरोला रेजर 5G, इसकी बात भी मैं नहीं करता लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सेल के द्वारा आपको कैसे धोखा दिया जा रहा है। अब लिखा है 90,000, आपको याद होगा बिग सेविंग डेज में ये 60,000 का, 59,990, मतलब आप सोचो 60 और 90, 30,000 का झोल, वाह कितना बड़ा ऑफर है, मानना पड़ेगा फ्लिपकार्ट। ओप्पो F90 Pro भाई 21,490, 1 रुपए का डिस्काउंट, 1 रुपए भाई, 1 रुपए का तो डिस्काउंट दे दो, मतलब शर्म कर लो कि हाँ भाई अगर हम कोई सेल लेकर आ रहे हैं तो धोखा ना दिया जाए। नेक्स्ट डील की बात कर लेते हैं भाई रियलमी X7 Max 5G, ये जस्ट आज लॉन्च हुआ है इसीलिए मैं वेट किया और शाम को वीडियो बना रहा हूं, तो ये 12 बजे लॉन्च हुआ है इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसमें कोई डिस्काउंट हो, क्योंकि आज ही लॉन्च हुआ है। 27,000 मतलब 26,999, फोन अच्छा है भाई, प्रोसेसर आज तक का सबसे अच्छा प्रोसेसर है, ठीक है फ्लैगशिप लेवल का, सब समझ में आता है, लेकिन एक कमी है भाई, प्लास्टिक बॉडी है, चाहे कॉर्नर हो चाहे बीच हो, ये आपको बता दिया मैंने लेने के पहले। बाकी का अगर आप इतना पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको प्रीमियम बॉडी तो चाहिए, जो कि नहीं है इस फोन में, आप देख लीजिए। वैसे मैं इस मोबाइल को अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गूगल पिक्सल 4a, बिल्कुल नहीं भाई, 26,27,000 का रहा है कई सेल में, तो मैं आपको इसके लिए बचने को बोलूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं iPhone XR, ये आपको 40,000 का मिलेगा, बिल्कुल गलत, 37 में आसपास रहा है इसका रेट, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि हाँ भाई आप वेट करो और जैसे ही 37 का आएगा एक वीडियो मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट बढ़ते Poco X3 Pro, भाई डिस्काउंट आ गया, आप जिसका वेट कर रहे थे, सभी बोल रहे थे प्रिंट रेट पे, भाई पहले तो 1,500 का डिस्काउंट दे भी रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया
21,000 का, ये 8GB और 128GB का जो वेरिएंट है उस पर ₹1 का डिस्काउंट नहीं, वैसे किसी पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है। एक 19,000 का है मतलब 18,990 और ये 20,990, तो उस पर ₹1 का डिस्काउंट नहीं, बिल्कुल देखिएगा भी मत। आगे बढ़ते हैं, आरुजी 3 भाई 41,990 नहीं भाई, आरुजी 5 ले लीजिए, अगर 42 खर्च कर रहे हैं तो 49 भी खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आईकू 3, ये वही चला आ रहा है तो आप ले सकते हैं, अगर लेना ही है 25,000 का तो ये मैं डील को अच्छा मानता हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं रियलमी X7 प्रो 5G, ये आपको 27,000 में मिलेगा, जब मैक्स आ गया उतने ही रुपए में तो हम क्यों इस पुराने मोबाइल को ले जो कि 2-3 महीना पुराना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं MI 10T सीरीज, ये भाई बच के रहिएगा, 25,499 लिखा है लेकिन धोखा है इसके साथ। कैसे धोखा है, मतलब आप एक्सचेंज में अपना फोन डालोगे तो ये 5,000-6,000 ज्यादा एक्सचेंज की वैल्यू देंगे, फिर उसमें HDFC का ऑफर भी इंक्लूड है, ऐसा मतलब करके आपको ये दिखा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते ओप्पो F17 प्रो, भाई जब F19 प्रो आ चुका है तो हम क्यों इसको ले, और उसमें 1-2 हजार का ही डिफरेंस है और इसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं, यही इसका प्राइस है, तो हम क्यों ले, बिल्कुल बचिए। नेक्स्ट बढ़ते आईफोन SE भाई 32,000 का, आपको पता है 28 तक आ चुका है, ये क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं भगवान जानता, अभी बिल्कुल लेने लायक नहीं है, मुझे लगता है आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं रियलमी X50 प्रो 5G, अच्छा इसमें आपको जो प्राइस मिल रहा है वो डिसेंट है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 25,000 इतना ही रेट चला आ रहा है, तो अगर आप लेना चाहते हो फोन अच्छा है, इसकी मतलब प्रोसेसर से लेके सब कुछ अच्छा है और प्राइस भी ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रियलमी X30 सुपर जूम, ये भी आपको 22,000 में मिल रहा है, अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब यही डिस्काउंट चला रहा है तो ले सकते हैं, मतलब इसमें कोई धोखा नहीं हो। सो अगर आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो भाई, iPhone XR लेना, iPhone 11 लेना, iPhone 12 लेना है, कुछ भी लेना है, मतलब कोई भी मोबाइल लेना, जरूरी नहीं वो iPhone ही हो, अगर उसमें बेस्ट प्राइस चाहिए तो भाई साल का एक ही सेल है जो आपकी सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, वो Flipkart की द बिग बिलियन डेज है, जैसा आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे वीडियो। अगर आपको ये जानना है सेल डेट क्या होगी, आपको बैंक ऑफर कौन कौन से मिल सकते हैं एक्सपेक्टेड, हाँ, और ये सब अगर जानना है सेल के बारे में, कितनी बड़ी ये सेल हो सकती है, तो ये वीडियो को जाके जरूर देखिए भाई, 16K से ज्यादा इसको व्यू आ चुके हैं, इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। साथ ही साल की सेकेंड सबसे बड़ी डेट उसको भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो Amazon की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होती है, वो मैंने यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, वो भी ऑलमोस्ट 10K व्यू आ चुका है, उसका भी लिंक रख दूंगा, तो जाके देखिए ये साल की सबसे बड़ी और ये साल की सेकेंड सबसे बड़ी सेल होती है, तो दोनों को जाके चेकआउट करिए, क्योंकि मेरा मानना है जब इतना वेट कर ही लिया है तो 2-3 महीना ही रह गया है, और वेट करके आपको बेस्ट डिस्काउंट मिले ऐसा मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आरुजी 5, ₹1 का डिस्काउंट नहीं, 49,999, बस दैट्स इट, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मोटोरोला रेजर 4G, भाई क्यों खर्च कर रहे हैं मैं इतना पैसा, मुझे नहीं लगता इट्स वर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओप्पो रेनो, भाई ₹1 का नहीं, मतलब हद हो गई, ये फोन मुझे लगता है 7-8 महीना हो गया लॉन्च हुए, और जब से लॉन्च हुए ₹1 का डिस्काउंट नहीं, आप ₹1 का डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, वही प्राइस है भाई, मेरे फ्रेंड ने भी खरीदा है और यही प्राइस में, आप ऑफलाइन भी जाके इतने रुपए में ले सकते हो। LG विंग 30,000 का, हाई अच्छा मोबाइल है, 70,000 का लॉन्च हुआ था, बाद में LG का प्रोडक्शन बंद हुआ, तो 30,000 का मेरे हिसाब से अगर है पैसे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं Moto G 5G, बिल्कुल बेकार, ये 17,000 से 18,000 के बीच में मिल चुका है, अभी आप बिल्कुल मत लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं Samsung S20 FE, ठीक है, ये 38,000 का, ₹1 का डिस्काउंट नहीं है, देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो डिस्काउंट नहीं है, मोबाइल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं Vivo V20 2021, तो मैं क्या बोलूं, इसमें ₹1 का डिस्काउंट नहीं है, यही मैं बता सकता हूं, वैसे फोन एवरेज है और बाकी का कुछ कमी नहीं है फोन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं Vivo V20 Pro, इसको 30,000 में, मैं ये बताऊं 6 महीने से देख रहा हूं, ₹1 का उस पर डिस्काउंट नहीं आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं Samsung A32, ये न्यूली लॉन्च है, ये आपको 20,499 में मिलेगा, तो
ठीक है, मोबाइल बुरा नहीं है, सैमसंग के मोबाइल के डिस्प्ले अच्छे होते हैं, सब कुछ ठीक है, बस यही है कि डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आईफोन 12 मिनी में, आपको क्या बोलूं, इसमें आपको 2000 का डिस्काउंट है। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड, तो आपको ऐसा लिखा है इन्होंने, अब वो मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड पे ही होगा, कि 61,900 पे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑफर बेकार है, जब तक आपको 52-53,000 के आसपास मिनी ना मिले तब तक बेकार है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे एफर्ट्स में ऑनेस्टी दिखती है, हमारे इंफॉर्मेशन में ऑनेस्टी दिखती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, जिससे हम ग्रो करें और ऑनेस्टी और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। भाई आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और रही बात, जैसा आप वीडियो को हमेशा शेयर करते हो, करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और ये दोनों नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं, कोविड में अपना ख्याल रखिए, कुछ ही दिन कोविड के बचे हैं, हमें अपने और अपनी फैमिली को सेफ रखना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।